नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। हाजिर हूं मैं भारती सिंह लेकर स्पेशल डे। आज 13 दिसंबर यानी इतिहास के पन्नों का वो काला दिन जिसने हिंदुस्तान को वो जख्म दिए जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज से ठीक 19 साल पहले लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। वहीं संसद पर साल 2001 में हुए आतंकी हमले की 19वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य कई बड़े नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, साल 2001 में आज ही के दिन संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले में देश ने जो जवान खोए उन सभी को देश कभी नहीं भूल सकता। संसद की रक्षा करते हुए जिन शहीदों ने वीरता का परिचय दिया और खुद को कुर्बान कर दिया उन्हें देश ताउम्र याद रखेगा। भारत उन शहीदों के प्रति हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। दिसंबर 2001 भारत के इतिहास का वो काला दिन जिसे देश चाहकर भी नहीं भुला सकता। 13 दिसंबर 2001 को जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, विपक्ष खूब हंगामा कर रहा था जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। सदन में जब सेशन चल रहा हो तो अक्सर यही होता है, लेकिन उस दिन वहां मौजूद तमाम नेताओं से लेकर कर्मचारियों और गार्ड किसे पता था कि आज के दिन को संसद पर आतंकी हमले के लिए याद किया जाएगा। उस दिन पूरा देश थर्रा उठा क्योंकि ये हमला देश की राजधानी और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन पर हुआ। आज भारत की संसद पर हुए हमले के 19 साल बीत गए हैं और इस हमले की 19वीं बरसी को याद कर रहे हैं। साल 2001 में आज के ही दिन संसद पर हमले को आतंकी संगठन लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने अंजाम दिया था और इस हमले का मास्टर माइंड था अफजल गुरु। हमले में सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकी मार गिराए, वहीं 9 लोगों की जान चली गई तो कई घायल हो गए। हमले के बाद 15 दिसंबर 2001 को दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य अफजल गुरु को जम्मू कश्मीर से पकड़ा। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के एसएआर गिलानी के अलावा 2 अन्य अफसान गुरु और उसके पति शौकत हुसैन गुरु को पकड़ा गया। मामले की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट ने 18 दिसंबर 2002 को अफजल गुरु, शौकत हसन और गिलानी को मौत की सजा देने का फरमान सुनाया। अफसान गुरु को बरी कर दिया गया। बाद में 29 अक्टूबर 2003 को गिलानी दिल्ली हाई कोर्ट से बरी हो गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 4 अगस्त 2005 को शौकत हसन की सजाए मौत को बदलकर 10 साल सश्रम कारावास कर दिया गया। अफजल गुरु को मिली सजाए मौत मुकर्रर रही और फिर वो दिन आया जब अफजल गुरु को फांसी मिली। संसद हमले के 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को दोषी अफजल गुरु को सूली पर चढ़ाया गया। हालांकि आतंकवादी अफजल गुरु को आखिरी वक्त तक यही लग रहा था कि उसकी भी फांसी की सजा बदल जाएगी। उसे यही उम्मीद थी कि उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 फरवरी को अफजल गुरु को बताया गया कि अगले दिन सुबह 8 बजे उसे फांसी दी जाएगी और ये सुन उसे ये एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी के ये कुछ आखिरी पल हैं। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के जवानों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्पेशल डे में बस इतना ही। नमस्कार।